न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान छिंदवाड़ा जिले के सभी विभागों के एनपीएस साथियों ने पेंशन यात्रा निकालकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पेंशन सत्याग्रह और शपथ ग्रहण की कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी और डॉक्टर अभिलाषा भांगरे ने किया। जिला संयोजक महेंद्र तिवारी ने साथियों को ओपीएस बहाली के लिए शपथ दिलवाई। संभागीय उपाध्यक्ष अरुण दत्त ने ओपीएस की माला गांधी जी को पहनाकर कोरोना काल में दिवंगत हुए साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन द्वारा लंबे समय से सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, अब जब सरकार नहीं सुन रही है तो संघ द्वारा गांधी जी की शरण में जाकर पेंशन पत्र का वाचन किया गया और निवेदन किया गया कि जब एक देश एक संविधान तो शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस और नेताओं को ओपीएस क्यों। कार्यक्रम में सभी ब्लॉक के अध्यक्ष पदाधिकारी थे। प्रांत अध्यक्ष पूजा श्रीवास्तव, करुणा कुरोलिया, श्वेता योगिता, मालती सोनिया, रमा विजेता, मंजू देशमुख, माया धुरपुरे, कमल धाकड़, सरेठी ज्ञानदास, मनोज कड़वे, नयन पाटिल, दुर्गा पीपल, मीना गोड़बोले सहित सभी साथियों ने एनपीएस रूपी कचरे को झाड़ू से झाड़कर साफ किया। गांधी जी के भजन रघुपति राघव राजा राम सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मध्य प्रदेश के तहत हमारे प्रांत अध्यक्ष सत्यन तिवारी के नेतृत्व में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली हेतु गांधी जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया गया। इसी कार्यक्रम में हम छिंदवाड़ा जिले में भी आज हमने गांधी जी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया। हमारी रैली मौन रैली निकाली गई एवं पुरानी पेंशन बहाल करो करके हमने मौन रैली करके और गांधी जी के समक्ष उपस्थित होकर गांधी जी को माल्यार्पण करके उनके सामने शपथ लेकर कि सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी पुरानी पेंशन लागू हो, इसलिए हमने आज सत्याग्रह किया। आपका नाम और पद? अनिल कुमार सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर चक्रवाल की रिपोर्ट।